पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आलोक शर्मा जी वो कह रहे हैं दृश्य का दोष नहीं है और जिस तरह की प्रसिद्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली है G20 के सफलतम आयोजन से वो कांग्रेस पार्टी को दरअसल बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जुम करो। देखिए मुझे लगता है कि देश की प्रसिद्धि हो बहुत अच्छी बात, लेकिन देश की विदेश नीति एक व्यक्ति की छवि सुधारने के लिए पूरी तरह से झोंक दी जाए, हजारों करोड़ रुपया खर्च होने के बाद आउटकम पे नाम पर ये आए कि मोदी जी की छवि विश्व में बहुत अच्छी हो गई है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। देश की छवि को क्या हुआ, देश की छवि को क्या होगा, देश की छवि के सहारे हमें क्या मिला, चर्चा इस पर होनी चाहिए। बात तो सही है। मोदी जी की छवि विश्व में बढ़ गई है। देश की छवि नहीं बदली है क्या? बाइडेन थे जिन्होंने 2.5 साल तक मोदी जी की ओर से देखिए नेतृत्व चूंकि अध्यक्षता भारत कर रहा था। आप आलोक जी सवाल सुन लीजिए। अच्छा तो क्या उससे देश को फायदा नहीं मिला है बहुत सारे मुद्दों पर? अरे कहना क्या चाहते हो? हिंदुस्तान ने जो ताकत दिखाई है रूस यूक्रेन के संदर्भ में क्या उससे देश की छवि मजबूत नहीं मिली है? चीन के संदर्भ में क्या देश की छवि मजबूत नहीं हुई है? आलोक शर्मा जी रुक तेरे को बताते तेरी माँ की थोड़ी मर्यादा रखिए। हाँ बिल्कुल चीन के संदर्भ में देश की छवि मजबूत हुई है। चीन कई जगह हमारे देश में घुसकर बैठा है, वो बाहर चला जाएगा रात को अब, और आज तक के स्टूडियो में बता के जाएगा नॉक करके कि हम मैं बाहर जा रहा हूँ अब। लवणेन भोज्यम इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। छवि अच्छी हो गई है ये स्वयं विश्व गुरु जो साहब है ना, स्वघोषित जो विश्व गुरु साहब हैं, और उनके पीछे जिस तरह से आप लोग स्तुति करते हैं, मुझे बताइए 2.5 साल तक हिंदुस्तान सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक नेशन है उसको अगर अमेरिका अपना एम्बेसडर भी नहीं देता है तो छवि कहां गई थी उस टाइम पर? आलोक शर्मा जी ये तरीका ठीक नहीं है। आप यहाँ पर बीजेपी से अपनी जो भी आपकी असहमति हो वो जताइए। यहाँ पर आलोक जी जितना सम्मान सुधांशु जी को दिया जाएगा उतना ही आलोक शर्मा जी आपको भी दिया जाएगा। आर यू कॉमेडी मी? लेकिन अगर आप व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे आलोक शर्मा जी तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। मुझे लगता है मुद्दों पर बात करते हैं, यहाँ पर आज तक पर चर्चा नहीं हो रही है। अच्छा प्लीज आलोक शर्मा जी बहुत विनम्रता से गुजारिश है आपसे अपनी बात को आगे बढ़ाइए। चलिए शुरू करते हैं। मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि जो चीजें बीजेपी के प्रवक्ता नहीं बोलते आप अपनी तरफ से नहीं बोला करें। गजब बेइज्जती है। एक काम कीजिए आप मुझे सवाल लिख के भेज दीजिए आलोक शर्मा जी, आप मुझे सवाल व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं वही सवाल आपसे पूछ लूंगी। बहुत अच्छा है, पूरा देश देख रहा है कि आलोक शर्मा जी मुझे सवाल बता रहे हैं कि मुझे आपसे कौन से सवाल करने चाहिए कौन से नहीं। पूरा देश देख रहा है कि चित्रा त्रिपाठी बीजेपी की सरकार को बचाने के लिए क्या कर रही। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। पूरा देश देख रहा है, मेरे से ज्यादा आप बोली हैं, सुनने का धैर्य रखिए आप लोग। आप लोगों ने मोदी जी से सीख लिया है कि मोदी जी विपक्ष को बोलने नहीं देते और आप भी कांग्रेस के प्रवक्ता को नहीं बोलने दे रही। हसदे चेहरिया का मतलब यह नहीं होंगे कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होंगी, उसका मतलब यह होंगे कि इन्होंने तकलीफों नाल डील करना होंगे। बीजेपी का प्रवक्ता मोदी जी की आलोचना सुन सकता है लेकिन चित्रा त्रिपाठी नहीं सुन सकती। चित्रा जी पत्रकार के तौर पर आप 10 सवाल पूछे हम उत्तर देंगे, बीजेपी के प्रवक्ता की तरह आप सवाल पूछेंगे तो वैसा ही उत्तर। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है।